हेलो एवरीवन, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। आज हम लोग चलेंगे घूमने नालंदा खंडहर। दूसरा नालंदा खंडहर। किन्हीं को कुछ बोलना है? जयकारा मना दी जाए। जयकारा मनानी ठीक है। आगे पहुंचने के बाद बात करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नालंदा खंडहर में। सफर के बाद चेहरा मुरझा गया श्रीकांत। हाउ इज द जोश डॉन? I'm capturing the moment outside the gate. After second time we will enter the gate. अगर आप कभी विजिट नहीं किए नालंदा खंडहर तो आपको आना चाहिए। यहाँ हम आप लोगों को नालंदा खंडहर, नालंदा यूनिवर्सिटी के बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं, जहाँ पर कुछ दुकानें हैं और एंशियन टाइम्स के कुछ स्कल्पचर्स देखने के लिए मिले। काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, कलाकारियाँ आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। ये आप नालंदा यूनिवर्सिटी का लेआउट देख सकते हैं। इसमें अलग अलग लोकेशन है, जैसे आप लोगों को राजगीर जाने का रास्ता किधर से पड़ेगा, बिहार शरीफ का रास्ता। आज हम लोग आए हुए हैं नालंदा खंडहर और इसका मेन एंट्रेंस है। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। यह है नालंदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2016 में ऐड किया गया था। यहाँ पर नज़ारा बहुत ही बेहतरीन है, पूरी हरियाली है हर तरफ। यहाँ पर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फ़ोटो आप लोगों को दिख रहा होगा। जिस टाइम पे नालंदा खंडहर का एक्सकेवेशन नहीं हुआ था, करीब 1915-1914 के आसपास, क्योंकि इसका जो एक्सकेवेशन था 1915 से 1940 के आसपास स्टार्ट हुआ था, करीब 25 सालों तक इसका एक्सकेवेशन किया गया था। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं सबसे पहला स्टेज है एक्सकेवेशन का। और जिस टाइम पे इसका एक्सकेवेशन नहीं हुआ था, इसके ऊपर में आप हिस्सा देख रहे हैं, पूरा यहाँ पर गाँव बसा हुआ था, पूरा पहाड़ मिट्टी भरा हुआ है। तो एक एंशियंट लिटरेचर के आधार पर कुछ ब्रिटिश ने इस जगह को समझा और यहाँ पर एक्सकेवेशन शुरू किया, खुदाई शुरू किया था 1917 से 1918 तक था। और यहाँ पर करीब 108 टोटल ब्लॉक्स पाए गए थे, जिसमें अभी एक्सकेवेटेड ब्लॉक्स जो हैं वो 11 हैं, बाकी का पूरा खुदाई नहीं किया गया है। सामने का ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर हम अभी आप लोगों को आगे दिखाएंगे। इसका जो मेन पिक्चर आप लोग जनरली किताब में, बुक्स में या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी करके सर्च करते हैं तो अलग अलग वेबसाइट पर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। बस स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक्स का डिवीजन है, और उस ब्लॉक्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपार्टमेंट, अलग अलग रूम्स पाए जाते थे, जिसमें अलग अलग स्टूडेंट आइसोलेटेड रहते थे। जिस तरह से हम लोग अभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में देखते हैं, IITs में देखते हैं, एम्स में देखते हैं, अलग अलग हॉस्टल बनाए जाते हैं अलग अलग विद्यार्थियों के लिए, यहाँ पर भी वैसे ही एक ब्लॉक में करीब 35-40 के आसपास रूम्स की संख्या होती थी। अभी लेबर्स काम कर रहे हैं इस एक्सकेवेटेड पिक्चर में। ये सब नेबरिंग लेबर्स थे जो आसपास के गाँव से
बुलाए जाते थे यहाँ पर काम करवाने के लिए। यही वो स्तूप है जो अभी आप लोगों को आगे दिखाएंगे हम। और यहाँ पर जितने भी स्तूप्स हैं, सारे स्तूप्स में आप लोग गौतम बुद्ध का स्कल्पचर्स देख सकते हैं, उनकी मूर्तियाँ देख सकते हैं। भारत के बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि इसका जो सिविल इंजीनियरिंग है बहुत ही एडवांस और सबसे ज़्यादा एंशियंट इंजीनियरिंग फील्ड है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे वहाँ पर स्कार्विंग की हुए हैं, कितनी अच्छी अच्छी वहाँ पर तराशी हुई है। ये पूरा जो पत्थर से बनाया गया है, एक्सपोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल नंबर 3। ये ड्यूरेशन है एक्सकेवेशन का 1924 से 1925 तक। मिट्टी निकाल निकाल के ले जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सकेवेशन के बाद जो डेकोरेटेड लाइम प्लास्टर है, प्लास्टर से यहाँ पर पहले के ज़माने में ईंट की जुड़ाई होती थी, जैसे अभी हम लोग सीमेंट का यूज करते हैं, वैसे ही पहले के लोग लाइम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते थे। और उसी से यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी आकृति आप लोग बने हुए देख रहे हैं। लोटस का प्लांट, इसमें आप देख सकते हैं एक बर्ड निकला हुआ है। इसके अगर फूल निकले होते तो बहुत ही सुंदर लगता देखने में। 2016 इसको यूनेस्को के लिस्ट में। हेलो बोलिए कैमरामैन, जल्दी फोकस करो। इसमें बहुत सारे रेक्टिफिकेशन बाद में किया गया है इसको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि हम लोग और जो हम जो हमारे आने वाले जनरेशन है इस चीज़ को देख सकें, इस चीज़ को पढ़ सकें, इस चीज़ को जान सकें। जो आप एंट्री देख रहे हैं इसका मेन एंट्री नहीं है ये, इसका मेन एंट्री अभी तक पता नहीं चला कहाँ से है, लेकिन जो खिड़की दिख रहा है ये दोनों खिड़की में गौतम बुद्ध का प्रतिमा रखा जाता था, ये इतना है जो कि मिट्टी का बना होता था, इसलिए यहाँ पर से डिसअपीयर हो गया। और हर रूम के बाहर आप लोग को इस तरह का दो खिड़की नजर आएगा जिसमें गौतम बुद्ध की प्रतिमा हुआ करती है। और नीचे सब लोग देख रहे हैं, सब पर एक्सकेवेशन सिस्टम है, सब ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ पर पानी का आना जाना होता था। चलिए आप लोग आगे चलते हैं। साइड का भी देखिएगा तो वहाँ पर भी मोर और लेस इसी तरह का ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको एक मोस्ट एडवांस्ड सिटी कहा जाता था एंशिएंट टाइम का। और यहाँ पर आप इस दरवाजे के पास में एक इस तरह का आप एक गैप देख रहे हैं, इस तरह का आप गैप देख रहे हैं। ये गैप में लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा रखा जाता था और वो इंडिकेट करता था कि आपका अभी टाइम रूम से बाहर निकलने का नहीं है। और यहाँ पर जो गैप है खिड़की की तरह जो दिख रहा है गैप, यहाँ पर दीपक या दिए रखे जाते थे बच्चों के लिए। चलिए आप लोग को नीचे लेके चलते हैं। ये हर स्टूडेंट के लिए एक पर्सनल रूम दिया जाता था। ऊपर का जो रूफ देख रहे हैं पूरा वैकेंट है, खाली है, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग जो रूफ है वो लकड़ियाँ का रूफ बनाते थे, उसके रूफ बनाते थे। और इसके पूरे जलने के बाद ऊपर का जो लकड़ी का रूफ है वो पूरा जल गया है, इसीलिए ऊपर अभी रूफ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर हल्के हल्के आप ब्लैक स्पॉट्स देख रहे हैं जलने का, अभी भी वहाँ पर ट्रेसेस आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और वहाँ पर आप लोग को एक और गैप मिलेगा खिड़की की तरह बना हुआ है, जो मेडिटेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता था। यहाँ पर नीचे भी ड्रेनेज सिस्टम इसी तरह से आप लोग देख रहे हैं। हर रूम का जो बनावट है इसी तरीके का आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। चलिए आप लोग को हम आगे लेके चलते हैं।
यहाँ पर जो आप ड्रेनेज देख रहे हैं ये तो ड्रेनेज है लेकिन इसके ऊपर सीमेंट पाते हैं ये सब आपको सर्वे करके बता दिया आप यहाँ पर इसका मार्किंग इसमें आप बख्तियार खिलजी के द्वारा क्यों लगा रहे हैं? अब इसका जवाब कौन देंगे? रोशन जी का प्रश्न है कि बख्तियार खिलजी के द्वारा यहाँ पर आग क्यों लगाया गया था? उसका जवाब रोशन दे सकते हैं क्योंकि अभी हमको दिए हाँ बताइए कौन समय बख्तियार खिलजी नालंदा में है तो उसमें मुस्लिम धर्म का इसमें किताब ढूंढ रहा था इसमें है कि बौद्ध धर्म से पढ़ा गया था महायान शाखा का और मुस्लिम धर्म का एक भी किताब न मिला जिसके कारण खिसिया के यहाँ पे आग लगा इस कहानी के मान्यता के आधार पर आप लोग ये भी जानते होंगे कि एक बार जो बख्तियार खिलजी था वो एक बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और उसका कहना था कि मेरा इस बीमारी का जो समाधान कर देगा मेरा सही से इलाज कर देगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और उसमें भी बिना दवा के यह पूरी घोषणा कर दी गई पूरे वर्ल्ड पूरे विश्व स्तर पर लेकिन इसका इलाज कोई नहीं ढूंढ पाए और नालंदा यूनिवर्सिटी के एक वैद्य थे जिनका नाम था राहुल श्री भद्र ने बख्तियार खिलजी को एक कुरान दिया और उस कुरान के प्रत्येक पेज पर एक लेप लगा दिया गया था और इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे राहुल श्री भद्र कि जब भी किसी किताब को बख्तियार खिलजी पढ़ता है उसका आदत होता है कि उंगली को बार बार जीभ से टच करने का अब इस चीज़ को वो नोट कर लिए बख्तियार खिलजी को एक कुरान दिया गया और उस कुरान को जैसे जैसे बख्तियार खिलजी कंप्लीट करता गया वैसे वैसे उसका तबीयत ठीक होता गया अब ये रहस्य उसको समझ में नहीं आया बख्तियार खिलजी को कि आखिर एक किताब पढ़ने के बाद मेरा तबीयत सही कैसे हो सकता है अब इस चिड़ को लेकर चूंकि जो बख्तियार खिलजी था वो एक कट्टर मुसलमान वाद था वो अपने धर्म को लेकर कट्टरवादी था अब यहाँ पर वो ये ढूंढने के लिए आता है इस यूनिवर्सिटी में कि उसको कोई कुरान मिलता है कि नहीं मिलता चूँकि उसको पता था कि यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में बौद्ध की पढ़ाई की जाती है बौद्ध धर्म की पढ़ाई की जाती है तो यहाँ पर उसको कोई भी कुरान या फिर मुसलमान का कोई भी ग्रंथ यहाँ पर नहीं मिला इस चिड़ को लेकर वह इस पूरी यूनिवर्सिटी को आग लगा दिया गया यह यूनिवर्सिटी लगातार 6 महीनों तक जलता रहा करोड़ों अलग अलग प्रकार की पुस्तकें थी जलती रही क्योंकि पहले के ज़माने में तो पेपर यूज नहीं किया जाता था तामपत्र यूज करते थे लोग जो कि लकड़ी का बना हुआ पेपर था और इसको जलने में काफ़ी लंबा वक्त लग गया जिसके चलते अभी भी आप लोग इसके ईंटे पर ट्रेसेस देख सकते हैं जलने के यहाँ पर जब जिस रूम में अभी हम लोग खड़े हैं इस रूम को स्टोर रूम कहा जाता है यहाँ पर आप अभी भी ट्रेसेस देख सकते हैं जलने का यहाँ पर जलने की निशानी अभी भी यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही है ये कुआं देख रहे हैं आप ये हर ब्लॉक में एक कुआं रहता था ये जो जिस तरह का कुआं आप देख रहे हैं ये हर ब्लॉक में एक कुआं रहता था बच्चों को पानी पीने के लिए कहाँ गए थे आप लोग ये मेरी माई है नालंदा खंडहर में भूल गई है आप इनको कभी कभी किसी और कैटेगरी में देखते होंगे जी हाँ बहुत काफ़ी धूप है और गर्मी है उससे बचने के लिए इंसान कुछ भी करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं ये आपने बहुत अच्छी बात कही ये जो आप स्लैब देख रहे हैं ये माइका स्लैब है इसका यूज किया जाता था यहाँ पर ये जो सिंहासन यहाँ पर गौतम बुद्ध का सिंहासन रहता था और यहाँ पर उनकी एक मूर्ति होती थी उस माइका के ऊपर सनलाइट पड़ता था और उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन यहाँ पर पड़ता था मूर्ति के ऊपर पहले के ज़माने में बहुत सारे लोग मिरर रिफ्लेक्शन का यूज करते थे अपने कमरे में लाइट लाने के लिए उसी तरह के रिफ्लेक्शन का काम करता वो माइका स्टोर वहाँ पर भी माइका लगा हुआ है और यहाँ पर भी माइका लगा हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन रिफ्लेक्टर का काम करता है माइका स्टोर इसको बेहतर तरीके से अगर पॉलिश किया जाए तो देखिए आप बना रहे हम क्या करें बताओ करीब 5 फीट के अराउंड नहीं पूरा लोहा डाला हुआ है अंदर तक हाँ पहले से नहीं डाला हुआ ये सब बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बाद में इसको डिजाइन किया गया
विवेक जी जहाँ तहाँ नाम नहीं लिखना चाहिए। समझ रहा ना से तो ध्यान करने में लगे कहाँ ध्यान आ आप जरूरी फोटोज में बुक्स में ये तस्वीर जरूर देखते होंगे एक सैंपल जो कि नालंदा यहीं पर जो यहाँ पर स्टूडेंट थे टीचर थे यहाँ पर एजुकेशन करते थे। आप बड़े बड़े अच्छे यहाँ पर देखें जो सबसे ऊँची चीज है वहाँ पर टीचर बैठ के मेडिटेशन करते थे अभी वहाँ पर और इसके साथ साथ आप लोगों को बता दें कि जो सर्कुलर शेप में आप लोगों को कुछ चीज़ें नज़र आ रहे हैं वहाँ पर कुछ समाधियाँ बनाई जा रही जो बड़े होस्ट के टीचर्स हुआ करते थे उनकी जो उनकी समाधियाँ बनाई जाती थी और उसके बाद छोटे छोटे स्टूडेंट थे जो जूनियर थे सीनियर थे उसके आधार पर उसके हायरार्की के आधार पर उनके यहाँ पर समाधियाँ बनाई जाती थी। आप वो मैक्सिमम हाइट देख रहे हैं क्या जिस टाइम पे इसका खुदाई नहीं किया गया था उसी ऊंचाई पर यहाँ पर गांव बसा हुआ था लेकिन कुछ चाइनीज बुक्स में कुछ ट्रेसेस मिले थे और उसके आधार पर ब्रिटिश ने यहाँ पर खुदाई स्टार्ट करवाया था। ये सब जो कलाकृतियाँ देख रहे हैं आप पत्थर का बना हुआ डिजाइन ये सब हाथ से तराशा गया है ये सब के डिजाइनिंग हाथ से किया गया है। कितनी बेहतरीन बेहतरीन डिजाइनिंग की गई आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक तरह से एक्सपेरिमेंट लैब के रूप में फर्नेसेस बनाए गए हैं जहाँ मेटल को मेल्ट किया जाता था। ये फर्नेसेस हैं चूल्हे हैं जिसमें मेटल को धातु को पिघलाया जाता था और उसकी कलाकृतियाँ बनाई जाती थी उसकी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ये पूरा जो आप देख रहे हैं चारों तरफ ये एक ही ब्लॉक है ये लेबोरेटरी के पर्पस यूज किया जाने वाला ब्लॉक है और वहाँ पर जो पेडेस्ट्रियन देख रहे हैं यहाँ पर जो बैठने वाला टीला देख रहे हैं आप यहाँ पर टीचर्स जो अध्यापक होते थे वो बैठते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। यहाँ पर चारों तरफ आप लोग एक विद्यार्थी के लिए एक कमरा देख रहे हैं और अभी हम जिधर से आए हैं ये इसका एंट्रेंस है प्रवेश द्वार है और यहाँ पर आप कुआं देख रहे हैं क्योंकि प्रत्येक ब्लॉक में अलग अलग कुएं होते थे। ये चारों तरफ आप 360 देख सकते हैं 360 डिग्री का नज़ारा।
यहाँ पर जो आप स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पर बुक्स रखने के लिए स्पेस दिया जाता था, ताकि बच्चे यहाँ पर जो पढ़ने वाले होते थे अपनी किताबें यहाँ पर रख सकें। वहाँ पर आप किधर जा रहे हैं सर? उधर जाना वर्जित है, इधर आप नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर सब वर्जित एरिया है। यहाँ पर सिर्फ हम आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकते हैं। जाते हैं।